अस्सलाम वालेकुम। हम बनाने जा रहे हैं आज अफलातून, जिसके लिए मैंने एक कटोरी घी लिया है और ये दो कटोरी मैंने दूध का पाउडर लिया है, दो कटोरी रवा लिया है, एक कप दूध है, ये 15 बादाम, 15 काजू और ये 15 से 20 पिस्ता है और एक कटोरी मैंने शक्कर लिया है और 250 ग्राम मावा लिया है। ये मैंने जो एक कटोरी घी लिया था, ये घी मैं इसमें डाल दूँगी। हमारा घी मेल्ट होगा फिर मैं इसमें रवा डालूँगी। ये हमारा घी हल्का गर्म हो गया है, अब मैं इसमें जो रवा ली थी वो डाल दूँगी। मैंने डालडा यूज़ किया है, आप चाहो तो असली घी भी यूज़ कर सकते हो, मैंने डालडा किया। अब इसे हमें सिलो पे ही 10 से 15 मिनट भूनना है ताकि इसका कलर चेंज हो जावे, इसे हमें गोल्डन करना है। ये हमारा 10 मिनट हो गया है, ये हल्का गोल्डन हो गया है। अब मैं इसमें हमारे थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट जो है वो डालूँगी, थोड़े ऊपर गार्निश करने के लिए रखूँगी। इसे 5 मिनट में और पकाऊंगी, हमें इसे पूरा स्लो आंच पर ही पकाना है, फ्लेम को ज़रा भी तेज नहीं करना है, इसे एकदम स्लो आंच पर ही भूनना है, चला चला के चला चला कर ही ये पूरा बनेगा। हाँ, ये हमारा 5 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें जो हमारा मिल्क पाउडर है मैं ये दोनों कटोरी इसमें डाल दूंगी। हमने सब चीज़ बराबर बराबर ही ली है, मिल्क पाउडर, रवा, शक्कर सारा कुछ सेम है, कम ज़्यादा नहीं है। अब मैं इसे भी चला के 10 से 15 मिनट गोल्डन एकदम करूंगी। ये मैंने 20 से 25 मिनट तक अच्छे से चला चला के स्लो पर भूना है, एकदम गोल्डन किया है। मेरा थोड़ा बैटर ज़्यादा ही था ना, तो अब मैं इसमें जो ये मावा रखी हूँ ये सारा इसमें डाल दूँगी और जो मैंने ये एक कप दूध ली थी इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दूँगी। हमारे मावे को अच्छे से इसमें मिक्स करना है कि उल्टी ज़रा भी ना रहे, इसे चला चला के अच्छे से मैश करना है। और मैं इसे सिलो पर ही, अभी भी ये 15 से 20 मिनट लगेगा बनने के लिए। ये हमारा 20 से 25 मिनट हो गया है, हमारा पूरा घी छोड़ दिया है, बस अब हम इसे उसमें थाले में निकाल के अच्छे से जमा लेंगे। ये मैंने अफलातून को थाले में ट्रे में अच्छे से जमा दिया है, अब मैं इसे एक घंटा हवा के नीचे सेट होने रखूँगी, उसके बाद में हम इसके पीस काटेंगे। मैंने सारे ड्राई फ्रूट को एक डब्बे के उसे दबा के अच्छे से सेट कर दिया है। हमारे एक घंटा हो चुका है, अब मैं इसे आपको कट करके दिखाऊंगी, अच्छे से सेट हो चुका है, अब मैं इसके पीस बनाऊंगी। पागल, तुम तो पहले काट लिया। हमारे अफलातून देखो मैंने पीस में काट लिए हैं, आप इसे बटर पेपर पे या प्लास्टिक पे रैप करके भी रख सकते हो, आप इसे इसी तरीके से आप इसे 15 दिन बाहर रख के भी खा सकते हो। आप इसे बनाओ, खाओ, पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।